नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल फार्मिंग गुरु में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में, आपको अगर आपके धान अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही तो उसी के संबंध में बात करेंगे कि आपको इस समय क्या करना चाहिए कि आपकी जो धान की फसल है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करे और जो हमारी धान की फसल है आगे चल के उससे हम अच्छी पैदावार ले सकें। तो किसान भाइयों, जैसे देख सकते हैं ये हमारी धान की फसल है, अभी हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। तो अभी ये फसल है और हम चाहते हैं कि ये अच्छी ग्रोथ करे और अच्छी इससे हम पैदावार ले सकें और इस पर जो इसके कल्ले हैं अच्छी तरह से बढ़ें। तो किसान भाइयों, हमें करना क्या है, हमें जिंक और यूरिया की स्प्रे करनी है। जिंक की यूरिया की स्प्रे करनी है तभी हम अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं ये मिक्सचर जिंक है, इस जिंक को हमें क्या करना है, ऐसे इस किसी बर्तन में डाल देना है और उसके बाद इस जिंक को डालने के बाद हमें इस जिंक में पानी डाल के इस जिंक को अच्छी तरह से मिला लेना है, यानी इसको पानी में मिक्स कर लेना है। जब इस जिंक को हम डाल के ऐसे मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ये यूरिया देख सकते हैं ऐसे ही हमको यूरिया भी डाल के उसको भी ये मिक्स कर लेना है। ये यूरिया हमने दूसरे बर्तन में डाल के उसको भी मिक्स कर लिया है। जब हम यूरिया और जिंक दोनों को मिक्स कर लेंगे, इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, कम से कम 300 लीटर पानी ले कर उसमें इन दोनों को मिला देना है। तो किसान भाइयों, इसकी हम मात्रा भी बताएँगे कि आपको कितनी जिंक और कितनी आपको यूरिया लेके दोनों को मिलाना है और उसके बाद इसका आपको छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों, वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप जैसे ये देख रहे हैं, इसको ये यूरिया को पानी में मिलाया जा रहा है, उसके बाद ये टैंक में स्प्रे वाले टंकी में 300 लीटर पानी डाल लिया गया। अब इसमें दोनों में यूरिया और जिंक डाल दी गई है। यूरिया जिंक डालने के बाद आपको फिर स्प्रे कर देनी है अपने खेत में। तो आपको किसान भाइयों बता देते कि आपको मात्रा क्या लेनी, आपको 2 किलो मिक्सचर जिंक जो होती है, 2 किलो मिक्सचर जिंक ले लेनी है और 4 किलो यूरिया ले लेनी है और 300 लीटर पानी में मिला के घोल बना लेना है। आपको करना क्या है, मिक्सचर जिंक को और यूरिया को अलग अलग बर्तनों में मिला लेना है। 2 किलो मिक्सचर जिंक और 4 किलो यूरिया, इन दोनों को मिला के 300 लीटर पानी में आपको डाल के उसका घोल बना देना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रति एकड़ की डोज बता रहे हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से आप इतनी डोज ले सकते हैं और उसका अपने धान में छिड़काव कर सकते हैं। जब इस चीज़ से, इन चीज़ों को मिलाने के बाद आप अपने खेत में छिड़काव करेंगे तो आप ये देख सकते हैं हमने अपने खेत में ऐसे छिड़काव कर रहे हैं। जब आप छिड़काव करेंगे उसके बाद आपकी जो धान की फसल है उसकी ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी और आपके जो पत्तियां हैं उन पे हरापन ज़्यादा आएगा और हरापन कालापन जो होता है हमारे धान की फसल की, हरापन और कालापन पत्तों पे ज़्यादा आएगा और हमारी जो धान के कल्ले हैं वो बहुत जल्दी निकलेंगे और अच्छे कल्ले निकलेंगे और धान की फसल हमारी अच्छी होगी। जब ये सब चीज़ों का हम प्रयोग कर लेंगे उसके बाद हमें हमारी जो धान की फसल है ग्रोथ जब अच्छी करेगी तो आगे चल के हमारी जो पैदावार होगी वो भी अच्छी हमें मिल सकेगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।